Hey guys, it's Manik here. आज की वीडियो में हम जानेंगे चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स एंड ट्रेंड ट्रेडलाइंस के बारे में एंड हमने प्रीवियस वीडियो में क्या कवर किया था हमने वॉल्यूम्स के बारे में जाना था सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस के बारे में जाना था एंड हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट के बारे में जाना था तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट ताकि आपको इस वीडियो के कॉन्सेप्ट बेटर समझ में आए विद दैट बीग सेट लेट स्टार्ट दिस वीडियो So, please, हम पहले लाइंस को कवर कर लेते हैं एंड लाइंस एक्जैक्टली यूज क्यों किए जाते हैं ट्रेंड लाइंस आर यूज फॉर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेंड चेंज यानी आपको यह पता लगेगा लाइंस यूज करके कि क्या मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ट्रेंड लाइन की होती है आपको ये पता लगेगा कि यार कभी डाउन ट्रेंड एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है एंड कभी एक अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है सो so क्विकली हम चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं कि हम ट्रेंड लाइन को कैसे बना सकते हैं और हम इसको एग्जैक्टली exactly कैसे यूज कर सकते हैं सो so गई हमको ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है ऑब्वियसली गाइज आपको ये अगर चार्ट दिख रहा है ये टाटा मोटर्स का चार्ट है एंड आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है राइट बिकॉज प्राइस इज मूविंग डाउनवर्ड्स सो दिस इज वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई बट हमें ट्रेंडलाइंस को कैसे बनाना है एक्जैक्टली exactly उसके बारे में जानेंगे सो ट्रेंड लाइन्स आइडेंटिफाई करने के लिए एंड बनाने के लिए हमको सिंपली क्या करना है सिग्निफिकेंट हाइज एंड लोज को आइडेंटिफाई करना है एंड कीप इन माइंड की हम डाउन ट्रेंड में सिर्फ हाइज को कनेक्ट करेंगे एंड अप ट्रेंड में सिर्फ लोज को कनेक्ट करेंगे ये क्लियर होते जाएगा जैसे हम ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे राइट सो सिग्निफिकेंट हाइज इस चार्ट में आपको कहां पर दिख रहे हैं सो so, यहां पर आपको दिख रहा है कि ये एक सिग्निफिकेंट हाई है वाई बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है कि काफी सारे दिन गुजर गए हैं एंड उसके बाद जाके ये हाईएस्ट पॉइंट है इन सारे दिनों का सेम वेज राइट हैंड साइड पे भी काफी दिन गुजर गए हैं और ये एक हाईएस्ट पॉइंट आप बोल सकते हो सो so, ये एक सिग्निफिकेंट हाई हो गया एंड इसके बाद आपको राइट हैंड साइड पे कहां पर दिख रहा है एक सिग्निफिकेंट हाई क्योंकि आपको दो पॉइंट चाहिए रिमेंबर ऑलवेज की आपको दो पॉइंट चाहिए टू मेक अ ट्रेंड लाइन राइट सो ये एक पॉइंट आपको मिल गया सिग्निफिकेंट हाई का एंड सेम वेज आपको नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हो अराउंड ये आप बोल सकते हो बाइ बिकॉज अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे भी काफी सारा प्राइस मूवमेंट हो गया एंड ये प्राइस प्राइस उस मूवमेंट का हाईस्ट पॉइंट है सेम वेज राइट हैंड साइड पे भी काफी सारा मूवमेंट ऑलरेडी हो गया सो so, ये हमें दो सिग्निफिकेंट हाइज मिल गए आपको सिंपली क्या करना है यहां पर क्लिक करके लाइन पे हम क्लिक करेंगे एंड यू हैव टू कनेक्ट बोथ द सिग्निफिकेंट हाइज राइट

इन दोनों पॉइंट को हमने कनेक्ट किया एंड दिस इज ऑल अ ट्रेंड लाइन इज अभी ट्रेंड लाइन एक्जैक्टली करता क्या है ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे काम करता है सो ऑब्वियसली गाइज क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है और हम हाइज को कनेक्ट कर रहे हैं तो हम रेजिस्टेंस जैसे ट्रेंड लाइन को देखेंगे क्योंकि हम एक डाउनवर्ड मूव में हैं और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को वापस प्राइस टेस्ट करता है हमें ये पॉइंट चाहिए कि यार वापस से रेजिस्टेंस प्राइस कहां पर ले सकता है सो so, यहां पर आपको दिख रहा है कि प्राइस अच्छा खासा नीचे जा रहा है नाउ लेट्स लुक एट द पॉइंट वेर द प्राइस इज द ट्रेंड लाइन री टेस्टिंग एंड यहां पर आपको दिख रहा है थोड़ा सा हमने जूमआउट किया एंड हियर यू सी अ परफेक्ट टेस्ट ऑफ द ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है ट्रेंड लाइन पे एंड वी ऑल्सो सी अ डाउन मूव हियर एंड यहां पर क्या हुआ है एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है सो so, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है उसके बाद हमें एक अच्छा मूवमेंट ऑन दी अपसाइड ट्रेंड लाइन बनाया था यहां पॉसिबिलिटी अच्छा है कि डाउन ट्रेंड खत्म हो गया सो so इसलिए हमें हाईस को कनेक्ट करना है डाउन ट्रेंड में टू नो कि मे बी ट्रेंड में कहां पर होने उस पॉइंट के बारे में हमें पता लग सकता है सो so एक्सैक्टली exactly यहां पर ब्रेकआउट हुआ हम अज्यूम कर सकते हैं कि मे बी फॉर नाउ द डाउन ट्रेंड हैज स्टॉप्ड और ये एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है प्राइस थोड़ा सा अगर और अगर और हम आगे जाते हैं आपको दिख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है राइट right? सो so ये था एक डाउनवर्ड मूवमेंट का ट्रेंड लाइन और हमने हाइज को ही कनेक्ट किया अभी आपको दिख रहा है कि प्राइस इज इन अप ट्रेंड तो हम क्या करेंगे सिंपली हम लोस को भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे सो so ऑलवेज जैसे मैंने आपको बताया अप ट्रेंड में हम लोस को कनेक्ट करेंगे डाउन ट्रेंड में हमने हाईस को कनेक्ट किया सो सिग्निफिकेंट लो मुझे यहां पर दिख रहा है क्योंकि प्राइस ने काफी टाइम स्पेंड किया है लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड पे सो so, यहां से मैं लेट्स से कि यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं आपको काफी बार दिख रहा है कि प्राइस ने सपोर्ट भी लिया है इस ट्रेंड लाइन पे यहां पर सपोर्ट हमें देखने को मिला है यहां पर भी मिला है एज वेल एज यहां पर भी देखने को मिला है सो प्राइस इज इन अप ट्रेंड अंटिल दिस ट्रेंड लाइन इज नॉट ब्रीच्ड पॉइंट so, पे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला ट्रेंड लाइन का और हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मे बी दी अप्रेंड इज चेंजिंग बैक टू एंड लेट्स सी सो यहां पर आपको दिख रहा है एक बहुत अच्छा सा डाउन ट्रेंड आ गया राइट सो दिस वॉज इट अबाउट ट्रेंड लाइन सो गेस ऑलवेज रिमेम्बर कि ट्रेंड लाइन 100% नहीं चलेंगे यानी कभी कभार ये डेफिनेटली फेल भी होंगे सो यू हैव टू की आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका एक्ूरेसी उतना बढ़ते जाएगा एंड नाव लेट्स मूव ऑन टू chart patterns. चार्टैक्टली so, exactly होते क्या है चार्ट पे सेम चीज हमें अभी भी दिख रही है एंड सेम चीज हमें 20 साल बाद भी दिखेगी और जो पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं उसके बाद में जो प्राइस का रिएक्शन हो रहा है वो भी अजम यही होता है कि यार 20 साल पहले भी सेम मूवमेंट हो रहा था एंड अभी भी सेम मूवमेंट हो रहा है एंड 20 साल बाद भी सेम मूवमेंट होगा उस चार्ट पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद सो गाइस लेट्स टेक अ क्विक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड चार्ट पैटर्न्स इवन बेटर एंड लेट्स अज्यूम कि मैं और आप नेबर्स हैं आप नेक्स्ट डोर रहते हो एंड हम दोनों रोज सुबह सेवन थर्टी को उठते हैं मैं रेडी होता हूं नाइन ओ क्लॉक के लिए बिकॉज स्टॉक मार्केट चालू होता है अराउंड नाइन फिफ्टीन राइट और आप रेडी होते हो मे बी फॉर योर जॉब और योर बिजनेस राइट और मैंने ये नोटिस किया कि यार सेवन थर्टी को तो मैं रोज उठता हूं आपको भी मैं देखता हूं कि यार सेवन को आप उठ के एट ओ को रेडी होकर आप जॉब पे जाते हो फॉर फोर्टी फाइव मिनट से एंड ये मैंने कंटिन्यूसली नोटिस किया फॉर टू और थ्री मंथ्स तो मैं दिमाग में ये पैटर्न बना लूंगा कि यार सेवन थर्टी को हम दोनों रोज उठ रहे हैं आप एट ओ को जॉब पे जाते हो पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप एवरी डे जाओगे कभी कभार आप लेट सो रहे हो तो, तो मे बी आप जॉब पे नहीं जाओगे या मे बी आपको कुछ और काम है तो आप कभी कभार जॉब पे नहीं जाओगे तो कभी कभार वो पैटर्न ब्रेक होगा बट हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि लॉन्गर होराइजन में आप यही पैटर्न फॉलो करोगे सेवन थर्टी को उठोगे एट ओ तक रेडी हो आप एक जॉब पे जाओगे राइट सो दिस इज वॉट चार्ट पैटर्न आर और यही एजम्शन है कि यार चार्ट पैटर्न जो बीस साल पहले बन रहे थे वो सेम चीज अभी भी बन रही है एंड रिएक्ट भी वैसे ही कर रही है सेम वेज 20 साल बाद भी वैसे ही रिएक्शन होगा एंड वैसे ही चार्ट पैटर्न्स भी बनेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है गाइस कि चार्ट पैटर्न्स दो टाइप्स के होते हैं एक होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न दूसरा होता है रिवर्सल पैटर्न एंड हम इन दोनों का एग्जाम्पल लेंगे सो डोंट वरी एंड नाउ अगेन लेट्स गो बैक टू माय लैपटॉप स्क्रीन एंड हम कंटिन्यूएशन पैटर्न के भी एग्जाम्पल लेंगे एंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न के भी एग्जाम्पल लेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न के हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न का हम एक एग्जाम्पल लेंगे एंड कीप इन माइंड बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं गाइज हम सिर्फ थ्री का एग्जाम्पल ले रहे हैं बिकॉज अगर मैं सारे चार्ट पैटर्न का नाम बताने गया तो मे बी यू हैव टू सेट यूर फॉर टू और थ्री आवर्स सो अगेन वी लुक एट थ्री चार्ट हमारा फर्स्ट चार्ट पैटर्न इज एन हेड एंड शोल्डर आपको यहां पर दिख रहा है एग्जैक्टली रहे ह्यूमन बॉडी ये एक शोल्डर है ये एक हेड है एंड ये एक दूसरा शोल्डर है एंड कीप इन माइंड ये जो हेड है विच इज ऑब्सली बिगर देन बोथ ऑफ द शोल्डर्स ये एक सिंपल सा चार्ट पैटर्न है जिसका हम एग्जाम्पल देखेंगे अगेन ऑन द सेम टाटा मोटर्स चार्ट सो लेट्स गो बैक टू आर टाटा मोटर्स चार्ट और यहां पर आपको आई डोंट थिंक सो दिख रहा होगा बट आई विल शो यू वेर शोल्डर एग्जैक्टली इज सो so ऑब्वियसली आपको परफेक्टली हेड एंड शोल्डर देखने को नहीं मिलेगा बट आप अगर इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो आपको दिखेगा कि यार ये एक हेड एंड शोल्डर हो सकता है बिकॉज दिस इज अ शोल्डर दिस इज अ हेड एंड दिस इज अदर शोल्डर राइट तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि ये ये भी एक हेड एंड शोल्डर बन सकता है एंड अगेन आई एम रिपीटिंग ये एक शोल्डर है ये एक हेड है एंड ये एक अगेन छोटा सा शोल्डर बना है एंड यहां पर हमें एक्शन कहां पर लेना है अगर ये ट्रेंड लाइन जो है ये जो ब्रेक होता है जब भी तभी हम जाके मान सकते हैं कि मे बी एक डाउन ट्रेंड आ सकता है सो so, पहले एक अप ट्रेंड चल रहा था एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना एक रिवर्सल पैटर्न बना हमने डिस्कस किया था कि हम रिवर्सल पैटर्न एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे सो so, ये एक रिवर्सल पैटर्न बन गया एंड मे बी प्राइस मूविंग डाउन सो लेट्स की आगे जाके एक्जेक्टली exactly हुआ क्या एंड यहां पर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमें प्राइस का क्लोज मिल गया एंड लेट्स सी वॉट हैजपन आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से एक डाउन मूव आ गया एंड दिस इज वॉट एंड शोल्डर कैन पॉसिबली डू हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न इज डबल बॉटम एंड इसका क्या है गाइस कि प्राइस इज मूविंग डाउनवर्ड्स एक छोटा सा अपमूव आता है अगेन एक डाउन मूव आता है एंड प्राइस टेक्स सपोर्ट एट दो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था सपोर्ट के बारे में एंड यहां पर क्या हुआ प्राइस ने सपोर्ट लिया लेट्स अज्यूम कि ये हंड्रेड है प्राइस लेवल वहां पर एक अपमूव हमें देखने को मिला लेट्स से हंड्रेड एंड टेन लेवल्स अगेन एक डाउन मूव देखा हंड्रेड लेवल्स पे एंड लेट्स इज मूविंग बैकअप फ्रॉम हंड्रेड लेवल्स टू हंड्रेड एंड टेन लेवल सो जब इस पॉइंट का ब्रेक आउट होता है तभी हम अजमशिन ये रख सकते हैं कि मे बी द डाउनवर्ड ट्रेंड इज रिवर्सिंग इन टू अ अपवर्ड ट्रेंड सो अगेन हम सेम चार्ट पे टाटा मोटर्स के चार्ट एग्जाम्पल लेंगे जस्ट क्विकली डिलीट दिस ड्रॉइंग डबल बॉटम इज बींग फॉर्म So, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डाउन ट्रेंड में हमें देखना है डबल बॉटम को बिकॉज इट इज अ रिवर्सल पैटर्न आपको अप ट्रेंड में डबल बॉटम नहीं देखना है सो so यहां पर आपको दिख रहा है कि एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूवमेंट आ रहा था इफ यू सी क्लोजली आपको ये दिखेगा कि प्राइस मूव्ड अप एंड अगेन मूव डाउन यहां पर ही सपोर्ट लिया प्राइस ने एक्जैक्टली exactly इसी पॉइंट पे लेट्स जस्ट डोडल अराउंड इट एंड आपको दिख रहा है कि यहां पर ये एक पॉइंट बना था जहां पर प्राइस ने अपवर्ड मूवमेंट किया था इस प्राइस पे दो बार प्राइस ने सपोर्ट लिया इस पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ सो so, यहां पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि मे बी डाउन ट्रेंड इज ओवर एंड यू कैन सी वापस से ये लोज विजिट हुए ही नहीं है एंड ये एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया यू कैन सी द मैजिक ऑफ अ डबल बॉटम यहां पर अगेन प्राइस ने सपोर्ट लिया इस पॉइंट का ब्रेकआउट हो गया जैसे मैंने आपको बताया ये हंड्रेड लेवल्स है ये हंड्रेड एंड टेन लेवल्स है वापस से 100 लेवल्स पे हमें रीटेस्ट एक सपोर्ट देखने को मिल गया एंड वंस दी 110 लेवल्स हैव बीन टेकन आउट आप ये अज्यूम कर सकते हो कि प्राइस हैज कन्वर्टेड फ्रॉम अ डाउन ट्रेंड टूप्रेंड गाइस हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न इज अ ट्रायंगल एंड दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न आप इसको रिवर्सल पैटर्न जैसे भी यूज कर सकते हो बट इस केस में हम एक कंटिन्यूएशन पैटर्न जैसे इसको यूज करेंगे एंड इसके लिए हम यूज करेंगे रिलायंस का एग्जांपल एंड यहां पर मुझे ऑलरेडी एक ट्रायंगल दिख रहा है आई डोंट नो इफ यू सी इट येट

प्राइस ऊपर ही जा रहा था एंड एक ट्राइंगल बना एंड एक अपवर्ड मूवमेंट आया सो दिस अ दिसल एंड यू कैन यूज दिस एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न एज एज वेल अ रिवर्सल पैटर्न लेकिन इंडिकेटर्स एक्जैक्टली होते क्या है अगेन एज द नेम सजेस्ट ये इंडिकेट करते हैं कि यार मे बी प्राइस कैसे करने वाला एरिया यानी प्राइस का फोरकास्ट क्या हो सकता है इसके बारे में इंडिकेटर्स हमें बताते हैं एंड अगेन इंडिकेटर्स ऑल्सो आर ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट होता है हमारा लैगिंग इंडिकेटर जो थोड़े से लेट सिग्नल देते हैं बट काफी एक्यूरेट सिग्नल देते हैं सेम वेज सेकेंड टाइप होता है हमारा लीडिंग इंडिकेटर यानी जो इंडिकेटर थोड़ा सा जल्दी सिग्नल दे देगा कि यार प्राइस में भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाला है बट उसका एक्यूरेसी थोड़ा सा कम होगा बिकॉज हमें एक अर्ली इंडिकेशन मिल रहा है सो so अगेन हम अगर क्विक एग्जाम्पल ले टू अंडरस्टैंड इंडिकेटर्स बेटर लेट्स जस्ट अज्यूम कि हम फ्रेंड्स है एंड वी आर सेटिंग इन द सेम रूम यू आर गेटिंग रेडी फॉर योर जॉब और आपको हो रही है थोड़ी सी देर एंड मैं आपको बोलता हूं कि यार आपका उबर तो ऑलरेडी 10 मिनट से बाहर खड़ा है एंड आप रुके हो रुकेबर के लिए मे बी फॉर 20-25 ट्वेंटी मैं आपके लिए एक लैगिंग इंडिकेटर हो गया मैंने आपको 10 मिनट लेट इन्फॉर्मेशन दिया राइट एंड सेम वेज अगर मैं लीडिंग इंडिकेटर की बात करूं जो कभी कभार एक्यूरेसी थोड़ा सा जिसका कम होता है उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है सेम अगर वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ उबर अगेन And let's say कि मैं आपको दस मिनट पहले ही बोल रहा हूं कि यार दस मिनट में उबर आने वाला है तो आप बाहर जाके वेट कर सकते उबर का बट ऐसे भी हो सकते हैं कि यार उबर को बीस मिनट लग जाए एंड कभी कभार ड्राइवर राइड को ही कैंसिल कर दे तो आपको मे बी वापस से नया राइड बुक करना पड़ेगा एंड यू हैव टू टेक द न्यू उबर टू यॉब राइट तो कभी कबार एक्यूरेसी जैसे मैंने आपको बताया कम हो सकता है सो so, ये एक बेसिक सा डिफरेंस है लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर्स में अगेन हम चलते हैं हमारे चार्ट पे एंड वी विल सी दी एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर्स दोनों का एग्जांपल लेंगे लैगिंग इंडिकेटर का भी एग्जांपल लेंगे एज वेल एज लीडिंग इंडिकेटर का भी एग्जाम्पल लेंगे सो सोज लेट्स लुक एट अ लैगिंग इंडिकेटर राइट नाउ और आप मूविंग एवरेज को यहां पर आपको दिख रहा है दिस इज अ अफ्टी पीरियड मूविंग एवरेज राइट इसको आप एक लैगिंग इंडिकेटर मान सकते हो जो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि इसका एक्यूरेसी काफी हाई होता है बट ये आपको थोड़ा सा लेट सिग्नल देगा सो so, अजम्स क्या होता है मूविंग एवरेज का जब भी प्राइस इज अब द मूविंग एवरेज आपको ये देखेगा कि प्राइस इज इन अब ट्रेंड एंड सेम वे जब भी मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चले जाती है द अजम्पिन इज दैट प्राइस विल मूव इन टू अ डाउन ट्रेंड राइट सो यहां पर आपको दिख रहा है कि प्राइस मूव अब मूविंग एवरेज एंड यू सी अ गुड अमाउंट ऑफ अप ट्रेंड हो एंड जैसे ही प्राइस मूव डाउन बिलो द मूविंग एवरेज आपको एक अच्छा खासा डाउन मूव भी देखने को मिल रहा है बट यहां पर इसको लगाड इंडिकेटर क्यों बोला जाता है बिकॉज आपको दिख रहा है कि प्राइस मे बी इस पॉइंट पे पूरा सा कैंडल आपको दिख रहा है कि मूविंग एवरेज के नीचे है बट आपको थोड़ा सा लेट सिग्नल मिला बिकॉज यू कैन सी कि प्राइस ऑलमोस्ट 200 लेवल्स पे था यानी ये जो अपवर्ड लेवल्स है ये 200 के लेवल्स है राइट right? सो so 200 हंड्रेड लेवल्स से यहाँ पर ऑलमोस्ट 180, 170 लेवल्स पे आने के बाद आपको दिख रहा है कि यार मे बी एक डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा सो so, इसलिए ये जो थर्टी पॉइंट का लॉस है ये आपको एक लैगिंग इंडिकेटर देगा जो है मूविंग एवरेज नाउ लेट्स लुक एट अ लीडिंग इंडिकेटर गाइस आर एस आई आर एस आई इज यूज वेरी डिफरेंटलीट ऑफ ट्रेडर्स और मैं आपको दो यूजेस बताऊंगा इसके दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं जो इसको डिफरेंटली यूज कर सकते हैं एंड यू कैन चूज हाउ यू वॉन्ट टू ट्रेड इट राइट सो आर में आपको गाइज सेवेंटी एंड थर्टी के लेवल दिखेंगे यानी इफ यू सी क्लोजली आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सेवेंटी के लेवल्स है एज वेल एज थर्टी के लेवल्स है कुछ ट्रेडर्स ये मानते हैं कि जब सेवेंटी के ऊपर प्राइस चले जाता है यानी चले जाता है तो एक ओवर बॉड सिटन हो जाता है यानी प्राइस विल मूव डाउन फ्रॉम सो so, पे अगर आप यहां पर सेल करते थे आपको दिख रहा है कि ये जो ग्रे एरिया है हाईलाइटेड एरिया ये सेवेंटी लेवल्स है तो सेवेंटी लेवल्स पे जैसे ही मार्केट ने एंटर किया अगर आपने सेल किया होता इस साइडवेज मूवमेंट से आप डेफिनेटली बच जाते हैं राइट और अजम्सन ये भी होता है कि जब थर्टी लेवल्स पे पहुंच जाता है आर तभी आप बाय कर सकते हो इट इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी ग्रे एरिया अगेन थर्टी लेवल्स पे आपको दिख रहा है सो so, अगर आपने यहां पर खरीदा होता जैसे लोग मानते हैं कि थर्टी लेवल्स इज अ गुड प्लेस टू बाय बहुत अच्छा आपको एक अपमूव देखने को मिलता एंड आपने यहां पर सेल कर दिया होता बिकॉज अगेन सेवेंटी लेवल्स आ गए हैं अभी सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडर्स क्या करते हैं गाइस 70 लेवल्स को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसे मानते हैं यानी उनका ये होता है कि 70 लेवल्स अगर प्राइस लेके आता है आर को सेवेंटी लेवल्स पे तो सेवेंटी लेवल्स पे कंटिन्यूस रहेगा आर और प्राइस ऊपर जाते रहेगा या थर्टी लेवल्स पे अगर आता है तो प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे जाता रहेगा और इसका भी एग्जाम्पल आपको सेम चार्ट में मिल जाएगा सो यहां पर आपको दिख रहा है कि ये जो लोअर एरिया है ये ग्रे एरिया में आ गया है यानी थर्टी लेवल्स पे यहां पर प्राइस आ गया है और यहां पर लेट्स से कि जो सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडर है जो थर्टी लेवल्स पे भी सेल करता है एंड लेट्स से कि यहां पर आपने शॉर्ट सेल किया विच बेसिकली मीन्स कि आपको डाउन मूव से फायदा होगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छा एक डाउन मूव आपको देखने को मिला एंड थर्टी लेवल्स पे बहुत टाइम तक मार्केट टिका रहा यानी आर एस आई टिका रहा और जो सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडर है उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया और जो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडर है उसको लॉस हो जाएगा डेफिनेटली बिकॉज उसका अजमशिन ये था कि थर्टी लेवल्स पे मैं बाय करूंगा एंड प्राइस ऊपर से जाएगा सो दिस इज वॉट आई मेंट कि आप दो तरीके से आर एस आई को यूज कर सकते हो ऑब्वियसली कभी कभार दोनों फेल होंगे क्योंकि एक को प्रॉफिट होगा तो दूसरे को लॉस होगा सो so, आपको चूज करना है कि आप किस चीज से कंफर्टेबल हो अपने ट्रेडिंग में। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडर जैसे आपने फर्स्ट ट्रेडर की बात की थी जो सेवेंटी पे सेल करता है आप वैसे नहीं करते आप सेवेंटी पे बाय करते हो तो so, आपने बाय किया एंड यू सी गुड अमाउंट ऑफ अपमूव अवे राइट सो so अगेन ये टाइप टू ट्रेडर को फायदा हुआ एंड टाइप वन ट्रेडर को लॉस हुआ सो so अगेन आपको पिक करना है कि आप कैसे ट्रेड करना पसंद करते हो एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आप काफी सारे रोड्स को यूज कर सकते हो एंड दिस इज व्हाट आई मेंट बाय यूजिंग आर एस आई लिटिल बिट डिफरेंटली एज पर योर चॉइस सो इस वीडियो में हमने जाना ट्रेंड लाइंस चार्ट पैटर्न्स एंड इंडिकेटर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैं एक्जैक्टली exactly ट्रेड कैसे करता हूँ और मैं क्या क्या पैरामीटर्स यूज करता हूँ अपने ट्रेडिंग के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया मेक शोर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डो नॉट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब ग्रोस चैनल एंड मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में एंड सर्वटी मार्केट सब्ज मार्केट रिस्क रीडीडी और रिटेड डॉक्यूट कैफिफी बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज रीडियो डॉक्यूट कैफिफली बफो इन्वेस्टिंग रिलेट्स म्यूचुअल फंडर इंस्ट्रूमेंट ट्रेड ऑन स्टॉक्सेंजेस